स्वामी जी, हमारे शरीर में जो बायो मार्कर्स हैं वो भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह से बनते हैं, तो अब एक एक करके उन बायो मार्कर्स का बैलेंस भी जरूरी है। तो सबसे पहले हार्मोनल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, इसका कनेक्शन और सोल्यूशन दोनों बता दीजिए। तो देखो, मूलाधार का सीधा संबंध सहस्रार से है। जब मूलाधार गड़बड़ होता है तो रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रेटरी सिस्टम गड़बड़ होता है, उससे फिर ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये भी गड़बड़ होते हैं और बाकी स्ट्रेस हार्मोन्स भी गड़बड़ होते हैं। दोनों का संबंध बड़ा गहरा है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के गड़बड़ होने से फिर सहस्रार चक्र गड़बड़ होता है। इसके लिए मैंने सर्वांगासन और शीर्षासन बताया। शीर्ष कठिन आसनों का अभ्यास तो बचपन से करते रहेंगे तो फिर तो जिंदगी में, जो मेरे दाहिनी और हमारे योगाचार्य भाई कर रहे, बाई और हमारी सन्यासिनी बहन लगी हुई है और ये छोटे छोटे बालक बेटियां हमारे लगे हुए हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शीर्षासन ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और ये ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा एक साथ ही। देखो, एक साथ ये दो मुद्राएं भी लग जाती हैं, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम करना है। मेधावटी मेमोरग्रिड ओमेगा सब उठ करके मेधा क्वाथ पीना चाय कॉफी की जगह, और हो सके तो गाय का घी। मस्तिष्क रोगों में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में, सिज़ोफ्रेनिया में, एपिलेप्सी में, पार्किंसंस अल्जाइमर एमएनडी में खाली पेट ब्राह्मीग्रित और नहीं तो सब एक चम्मच गाय का घी खा ले। आँखों में महात्रिपुरागृत, इनफर्टिलिटी में फलग्रित, एक चम्मच खाली पेट। जो खाने के साथ घी खाते हैं वो टेस्ट और हेल्थ के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन उस जिनको कोलेस्ट्रॉल हार्ट की प्रॉब्लम और ओबिसिटी है वो फिर खाने के साथ घी ना खाएं, वो सुबह एक चम्मच खाली पेट खा ले, नहीं तो फिर पार्किंसंस अल्जाइमर भूलने की बीमारी, बहुत तरह के ब्रेन नर्वस सिस्टम के रोग, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो मैंने गाय का घी खाली पेट खाना, इसके ऊपर मैं आजकल काफ़ी बल देता हूँ और इसके पीछे हेतु है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ओमेगा मेधा मेमोरी, और गर्मियों के अंदर च्यवनप्राश की तरह ताकत देने का भी काम करता अमृत रसायन, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। अमित, बहुत ही मुश्किल आसन लगाया है, बहुत ही अच्छे से बैलेंस किया है। हाँ, राज कपोतासन भी हो रहा है और पूर्ण धनुरासन भी हो रहा है और हमारा इधर जो है विश्वामित्रासन भी हो रहा है और बीच में हम सहज आसन सहज प्राणायाम कर रहे हैं। तो अपनी अपनी रुचि प्रकृति प्रवृत्ति और सामर्थ्य के अनुरूप योगाभ्यास का चयन कर ले। स्वामी जी, 21 जून इंटरनेशनल योग डे भी आने वाला है स्वामी जी, और योग चैलेंज से पहले आज से 20 जून तक आप उसकी भी तो तैयारी करवाने वाले हैं। रोज एक एक आसन बारीकी से समझाएंगे ताकि लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए, तो स्वामी जी वो भी करा दीजिए। तो देखो, एक करवाते भुजंगासन और ये पूर्ण भुजंगासन, तो देखो ये हो रहा है पूर्ण भुजंगासन, तो आप भी करो बेटियों, जैसे पूज्य साध्वी देव वाणी जी कर रही है, इसको शुरू से करते हैं, सामने से उठाओ, फिर से दोबारा से देवाणी जी सामने से उठाया और ऐसे उठाते हैं और ऐसे उठा करके पीछे से पैर उठाए और वो तो सिर पे लगा दिए, है ना। और यदि सामने ले आते हैं तो जैसे बेटियों ने कहा आकंठ भुजंगासन, तीन तरह से हो रहा है, पूर्ण भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन, सिर के पीछे लगे तो पूर्ण भुजंगासन, और कंठ के आगे पैर लग गए तो आकंठ भुजंगासन, और जो इतना भी ना कर पाए वो इतना जरूर करें, दोनों पैर पीछे मिले हुए, एड़िया मिली हुई थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ कंधों के नीचे छाती से टच करते हुए, रिब केज से पसलियों से टच करते हुए श्वास अंदर भर के ऐसे उठाया, इसमें थोड़ी सी कोहनियाँ झुकी भी
और नाभि तक शरीर को उठाना ऐसे ये, और इसमें 10-20 सेकंड रोकना है, नीचे आ जाना है। सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, वर्टिगो और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, स्कोलियोसिस, बहुत तरह की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। फिर दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके ऐसे भी भुजंगासन करते हैं। अब देखिए, ये बात तो छोटी सी है, इससे फायदा क्या है, 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे, 100 साल तक जवान रहेंगे ऐसे ऐसे। तो आज का आसन हो गया भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन, और ये भुजंगासन का सहज भुजंगासन ऐसे ही कर ले। बाकी हमारे अमित भाई को पावर योगा की बहुत याद आ रही थी, तो ज्यादा करना चाहे ऐसे ये पावर योगा, और ये चलो आओ 1 मिनट में 100 बार ऐसे कर जी स्वामी जी, ये ऐसे, तो ये सर्पदंड भुजंग दंड ये वो हो गया पावर योगा, ये बहुत जरूरी है। एक बार ऐसे पूरे जोश के साथ ऐसे कर लो, ये हनुमान दंड है, ये सारी दंड भी सिखाएंगे धीरे धीरे। अब इन ऐसे करने वालों को, पावर योगा करने वालों को कहाँ ये प्रोस्टेट की अथवा किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। अब स्वामी जी पावर की बात आती है तो नारी शक्ति पीछे नहीं है, और यहाँ पर पूजा और श्रुतिका स्वामी जी जबरदस्त टक्कर दे रही है मुझे, कई बार तो मुझे रुकना पड़ता है। हाँ ये बात आपने ठीक कही, बहने अब भाइयों से आगे निकल रही है, ये खुशी की बात है, और आप तो सब बहनों को बहुत ही ज़्यादा गौरव देते हैं, तो जिनसे ऐसे ना हो पाए नहीं ऐसे, तो वो ऐसे ही कर लेना ऐसे 100 बार, 100 साल भुजंगासन करो और 100 साल जियो। ये बेटियां तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस आसन में लगी हुई हैं।